नमस्कार। भारत की राजनीति में दल बदल एक गंभीर रूप लेता जा रहा है। जनमत किसी का है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है और जनमत के खिलाफ सरकारें बन रही हैं। दल बदल शुरू हुआ था 1967 के बाद, जब राज्य सरकारों में दल बदल के साथ बदल के सरकार बनाई गई, आया राम गया राम की संज्ञा दी गई और उस बात से चिंतित होकर राजीव गांधी जी ने 1985 में दल बदल कानून लाए थे। लेकिन वो दल बदल कानून में भी कुछ परिवर्तन हुआ। आज ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई है, इसलिए इस पर विचार मंथन करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं और मैं अनुरोध करता हूं प्रधानमंत्री जी से और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना जाना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने जिस पार्टी से वो चुना हुआ है उसे अगर वो छोड़ता है तो न केवल उसकी सीट खाली हो लेकिन 6 साल तक वो कोई चुनाव ना लड़ सके और कोई भी लाभ के पद पर वो ना आ सके, इसका बंधन होना चाहिए। तभी जाकर हम दल बदल को रोक पाएंगे और इस जिस प्रकार से जनमत को खरीदा जा रहा है उसे रोक पाएंगे। ये आज भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा है। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।